रिंकू भाई ने लेवल कर दिया, मैं मीन नहीं थी कोई जीतेगा। की नहीं जो ठुला प्लेयर भी चल जाएगा यार, कमाल होगी यार, दिल खुश। रिंकू 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 जो गलत बात करेगा ना मुझसे, दो बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। इसने मोदी की बात की, मैंने मोदी के जवाब दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76% की अनुमोदन रेटिंग के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के टैग को बरकरार रखा है। पीएम मोदी ने अमेरिका और ब्रिटेन के अपने समकक्ष जो बाइडेन और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने पहला स्थान हासिल किया, वही मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रिस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने 61% अनुमोदन रेटिंग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वही दूसरी तरफ रिंकू सिंह केकेआर के लिए भगवान बन गया है। आखिरी 6 गेंदे और 29 रन का टारगेट लगभग असंभव, पर यही चमका एक नाम जो अब सबकी जुबा पर है, रिंकू सिंह। रिंकू ने लगातार 5 बॉल पर 5 छक्के लगाकर कलकत्ता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी। सिर्फ जीत ही नहीं दिलाई, कई रिकॉर्ड तोड़े। रिंकू से पहले अब तक किसी भी खिलाड़ी ने T20 लीग या इंटरनेशनल क्रिकेट के 20वें ओवर में 5 लगातार छक्के लगाकर अपनी टीम की जीत नहीं दिलाई थी। आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा 29 रन बनाकर जीत दिलाने का भी रिकॉर्ड बना। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी 20 ओवर में 23 रन बनाकर चेन्नई को जीत दिला चुका है। कलकत्ता ने रिंकू को 80 लाख रुपए में खरीदा था, पर रिंकू को उम्मीद थी कि सिर्फ 20 लाख मिलेंगे, वो भी उनके लिए काफी थे क्योंकि परिवार गरीब था। और ऐसा करके एक चाय वाले लुटेरी कांग्रेस को निपटा कर देश का दिल जीत लिया। और एक सफाई कर्मी रह चुके खिलाड़ी ने 5 बॉल पर 5 छक्के लगाकर टीम जिताकर देश का दिल जीत लिया। जी सबसे पहले तो मोदी जी का नाम जो आएगा वहाँ आपको पता है मैं खुशी फील करता हूँ, क्योंकि टैलेंटेड इंसान को जो है ना तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें, ये अच्छी चीज है। तो मोदी साहब जो है ना उनके लिए अब आप अभी बता रहे हैं कि वो पहले नंबर पे भी आए थे, अब दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है ना वो माने जा रहे हैं, यानी कि उसका मतलब ये है कि अभी आप बता रहे थे 67% पता नहीं 77% लोगों ने उन्हें पसंद किया। अब मुझे ये बताएं, ये जो गिनती हुई है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये गिनती जो हुई है ये पाकिस्तान में तो नहीं हुई या इंडिया में तो नहीं हुई? पॉपुलरिटी है तो मैं बात कर रहा हूँ उनकी, अगर पॉपुलर ना होते तो मैं क्यों करता उनकी बात। तो बात सारी बताने की ये कि ना इंडिया ने उनकी तारीफ की ना हमने की, ये पूरी दुनिया ने कहा कि वो 67% जो है ना वो तकरीबन मोस्ट पॉपुलर लीडर दुनिया के वो माने जा रहे हैं। अच्छा वो किस बेस पे माने जाते हैं? मेन तो ये है ना कि एमी तो कोई पॉपुलर नहीं ना हो जाता, एमी कोई फर्स्ट नंबर पे नहीं आ जाता या सेकंड नंबर पे नहीं आ जाता, उसके लिए उन्होंने करके दिखाया है। अभी देखिए मोदी साहब उनकी तारीफ पाकिस्तान भी करता है, मतलब पूरी दुनिया उनकी, चाइना इवन के चाइना को आप लीजिए जिसके साथ इस टाइम लद्दाख में उनकी जंग चल रही है, तो चाइना में भी वो पॉपुलर है। अभी आप ये देखिए लद्दाख की आप बात कीजिए, मोदी साहब खुद लद्दाख पहुंचे हुए थे, अब लद्दाख वो कोई जंग करवाने या बम फड़वाने तो नहीं गए, वो पीस के लिए गए हैं, वो चाहते हैं। उन्होंने उधर जाके अपनी जो उनकी सेना है जिसे फोर्स कहते हैं, आर्मी कहते हैं, उन्होंने कहा बी रेडी। देखिए अब देखिए एक जंग का समय बी प्रिपेयर्ड का है। अच्छा जहाँ जंग का समय हो तो वो तो अपनी फौज को सबने यही कहना कि भाई आप सारे रेडी हो गए बर्रो, ये हो जाना है। लेकिन अंदर से सिलसिला जो है ना, मैं आपको बड़ी सही बात बता रहा हूँ, अंदर से सिलसिला पीस का है, ये इंशाल्लाह इसका मामला भी हल हो जाना है। और मोदी सरकार को चाइना भी हो सकता है अवार्ड दे आने वाले टाइमों में। देखिए अरब मीडिया पे ऑलरेडी हमने शायद वीडियो बनाई थी, चाइना के सोशल मीडिया पे वायरल थे कि मतलब पीएम मोदी की अगर बात, हाँ जी वो शी चिंग चोंग पता नहीं क्या आप उस दिन बता रहे थे मुझे, वो तो वर्ड भी भूल चुका हूँ। तो देखिए चाइना में सोशल मीडिया पे वायरल है वो, मतलब ये कि उसे लाइक कर रहे हैं ना लोग। यार देखे एक तो बहुत ही हारा हुआ मैच उसने जिताया, तो आईपीएल में देख लें कि जो मुखालिफ टीम होगी वो बिल्कुल इजी बैठी होगी कि हम जीत गए हैं, लेकिन एकदम से उसने सारा मैच ही बदल दिया और बहुत ही अच्छा प्लेयर है यार। मेरे ख्याल से जो मैंने मैच अपनी पूरी लाइफ में देखा ना हिस्ट्री में, ये उससे सबसे बेस्ट मैच था जो मैंने देखा अपनी। और एक छोटे से घर से उठ के आया है, इसके अब्बे की जो है कहते हैं कि सिलेंडर वाली दुकान है, रिक्शा चलाता है इसका भाई, और बहुत ही गरीब खानदान से ये आया उठ के, और इसने आईपीएल में इतना नाम कमाया है और बहुत ही कमाल का प्लेयर है। मेरे ख्याल में ये इंडिया का आने वाला एमएस धोनी है। इंडिया का जो आईपीएल लीग है वर्ल्ड की टॉपेस्ट लीग में आती है, ठीक है ना, और जो कल का मैच है वो तो बिल्कुल कमाल का था ना यार, उस बंदे ने कमाल कर दिया। मतलब के 28 स्कोर चाहिए था और एक छक्का, ओए होए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब के ना छा गए यार, मतलब के आईपीएल का ना दीवाना हो गया यार। जैसे उसने छक्के लगाए 6 बॉलों पे 5 छक्के, तो मजा आ गया मैच देखने का। इंडिया हमेशा बैट्समैन ही क्यों प्रोड्यूस करता है? उनकी सबसे बड़ी लीग आईपीएल।
तरीके से उसने मैच जितवाया, आपको कभी लगा कि पाकिस्तानी प्लेयर ने जितवाया होगा? ये बस ख्वाब ही है भाई, ख्वाब ही है। हाँ जी, अगर हो गया तो बस रिंकू छा गए हो तुम। मैंने आपका सारा बायोडाटा देखा है, ठीक है, उस पर काफ़ी है कि आप गरीब घर के हो, लेकिन ये है कि आने वाली टीम में आप इंडिया की टीम में खेलोगे। अब आप इधर देख लें पाकिस्तान में, ठीक है ना, कहीं कोई सिलेंडर बेचने वाला, कहीं कोई मेहनत मजदूरी करने वाला, ठीक है ना, कहीं कोई रिक्शा चलाने वाला, किसी का बेटा आया ऊपर? नहीं ना, किसी का भी नहीं आया, ठीक है ना। इधर वो नवाब दादा ही हैं सारे, जिन्होंने पैसे दिए हैं, अमाद वसीम देख लो, शहीन शाह अफरीदी देख लो, सारे नवाब दादे पहले से इनके पास इतने इतने पैसे हैं, ठीक है ना, इन्होंने मतलब कि पैसे दे के आए हैं टीम में, हाँ, और बाबर आजम इनको खुदा आजम बना दिया है। इस तरह की इनिंग्स लाइफ चेंजिंग इनिंग्स होती है, करियर चेंजिंग इनिंग्स होती है, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, थोड़ा टाइम अब हो गया है आपकी इनिंग्स को, तो क्या आपका क्या व्यू है आपकी इनिंग्स पे? नहीं नहीं, काफी स्पेशल इनिंग है, क्योंकि बहुत बेस्ट इनिंग है मेरी लाइफ की, तो काफी मतलब अच्छा लगा था इनिंग खेल के, मतलब काफी लोग मतलब खुश है मेरी इनिंग से, और बहुत मतलब इंडिया में मतलब ऑलमोस्ट सबको ही पता चल गई है मेरे बारे में, तो काफी अच्छा लग रहा है अंदर से जी। तो ये जो बिलीव था कि आप लास्ट 5 बॉलों पे 25 रन बना सकते हैं, ये बिलीव कहाँ से आया? क्योंकि हो सकता है टेक्निकली, लेकिन बहुत लोग सोचते नहीं है कि ऐसा होता है, और ऑफन होता भी नहीं है। हाँ, बहुत से लोग मतलब बहुत टफ था मैच, मतलब होप छोड़ दी होगी लोगों ने, मतलब नहीं जीत सकते, मतलब क्योंकि मैं ऐसी नहीं, मैंने काफी खेली हुई है, तो मेरे अंदर एक बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ सारी चीजें, और जो मेरा नंबर है, मैं जिस नंबर पे खेलता हूँ, तो मैं मतलब काफी कॉन्फिडेंस उस नंबर पे अपने जी। तो आपके, जैसे आपने बोला, आपकी इनिंग्स के बाद पूरा देश बात कर रहा है, पूरा जो जहां भी क्रिकेट लोग जानते हैं खेलते हैं, पूरा विश्व बात कर रहा है। आपके टीममेट्स का जो रिएक्शन था हमने देखा, आपके जो कोच है चंद्रकांत पंडित जी, उन्होंने आपकी इनिंग्स को रवि शास्त्री के 6 छक्कों से या जावेद मियांदाद के लास्ट बॉल 6 से कंपेयर किया है, तो वो कैसा लग रहा है? काफी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, काफी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि सर ड्रेसिंग रूम में बात कर रहे थे, तो मतलब वहाँ मतलब तुलना करने की बड़ी बात है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो काफी अच्छा फील हो रहा था कल सर ने जो मेरे लिए बोला था। और टीम ओनर्स वेंकी मैसूर और शाहरुख खान से भी आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बोला? नहीं, सर से हुई थी, शाहरुख सर से बात हुई थी वीडियो कॉल पे, मतलब मैं इतनी बात कर नहीं पाया सर के साथ, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी सर के साथ बात करने में, तो थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो कांग्रेस बोल रहे थे, और इतनी ज्यादा कुछ जी जी।